नमस्ते दोस्तों, ऑनलाइन जैक में आपका स्वागत है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पुलिस आपका गाड़ी को रास्ते में चलते हुए रोक लेती है और आपका गाड़ी साइड करके आपको बहुत सारे तरीक़ों से पूछते हैं कि आपका गाड़ी का कागज़ कहाँ है और आपका लाइसेंस कहाँ है, RC का है। तो यही बहुत सारे सवालों के जवाब लेके आज मैं इस वीडियो में आया हूँ। कृपया वीडियो को एंड तक देखें और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। एक सवाल है कि पुलिस आपकी गाड़ी को रोकते क्यों है, पहला। दूसरा सवाल है, आप अगर पुलिस वाले आपको गाड़ी रोकते हैं तो आपको उस पुलिस ऑफिसर से कैसे अप्रोच करना है या फिर कैसे बात करना है। तीसरा, आपका जो कानूनी अधिकार है वो क्या है इस पुलिस और ट्रैफिक के मामले में। चौथा है, आपको कौन फाइन लगा सकता है या फिर आपका चालान कौन काट सकता है। और पांचवा है, आपको कितना फ़ाइन भरना पड़ता है कौन कौन से गुनाह के लिए। बहुत सारे गुनाह जैसे कि सिग्नल तोड़ने का 100 रुपये बनता है अभी कलकत्ता में, और अगर आप किसी जगह पर गाड़ी पार्किंग करते हैं वो नो पार्किंग है तो बनता है। जो भी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे तक देखते रहे। और ऐसी बहुत सारे वीडियो को मैं आगे ले आने वाला हूँ। कृपया करके चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें। सबसे पहला, पुलिस आपकी गाड़ी को रोकते क्यों है। ऐसा बहुत सारे नियम और कानून है। इनमें से सबसे पहला है जो रूटीन डॉक्यूमेंट चेकअप। रूटीन डॉक्यूमेंट चेकअप मतलब ये होता है कि पुलिस आपका गाड़ी को रोकते हैं और वैसे ही जो उनका सीनियर मोस्ट डिपार्टमेंट होता है उनसे ऑर्डर आता है कि इन ऐसे गाड़ी को चेक करो। तो आपका PUC, इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और ऑथोराइजेशन इस काम में आता है कि गाड़ी अगर कोई किसी और का हो और ड्राइविंग कोई और कर रहा है और जो गाड़ी का मालिक है वो गाड़ी में मौजूद नहीं है, ऐसे हालात में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक हो सकता है। दूसरा है सस्पेक्ट ड्रंक ड्राइविंग। सस्पेक्ट ड्रंक ड्राइविंग मतलब ये अक्सर होता है छुट्टियों के दिनों के रात में, जब पुलिस को ये संदेह रहता है कि इंसान अभी क्लब, पब या फिर एक घर से दूसरा घर या किसी भी जगह पर गाड़ी दारू पी कर चला रहा होता है। ऐसे में पुलिस गाड़ी रोक के चेक कर सकती है आपका ब्रीथ एनालाइजर से कि आप दारू पिए हुए कि नहीं। तीसरा है, इनके ये बहुत बड़ा है कि ट्रैफिक रूल वायलेशन। ट्रैफिक रूल वायलेशन मतलब ये होता है कि अगर आप सिग्नल तोड़ते हो या फिर आप नो यू टर्न में घुस जाते हो या फिर आप नो एंट्री में घुस जाते हो या आपका नो राइट टर्न वायलेशन होता है या फिर इसके अलावा आपका बहुत कुछ है, जैसे कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है, हेलमेट नहीं पहना है या फिर आपका गाड़ी का कुछ संदेहजनक आपको विषय में दिखा, जैसे कि आप ओवरटेक कर लिए हो या फिर आपका गाड़ी का स्पीड बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ में आपका ट्रैफिक रूल वायलेशन होता है। पुलिस चाहे तो आपका गाड़ी रोक सकता है और आपका गाड़ी का चालान कट सकता है। इसके अलावा जो चौथा सवाल है वो है सस्पेक्टेड व्हीकल। सस्पेक्टेड व्हीकल मतलब वो व्हीकल होता है जिनमें पुलिस को संदेह रहता है कि ये व्हीकल कहीं से चोरी करके लाया गया है या ये व्हीकल में कुछ गड़बड़ी होता है। गड़बड़ी मतलब कैसा, आपके व्हीकल में आपका जो अभी गाड़ी है उस गाड़ी में कोई ऐसा सामान लिया जा रहा है तो कानूनी तौर से जायज़ नहीं हो। जैसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि पुलिस चेक पोस्ट में गाड़ी चेक कर रही है और पुलिस को उन गाड़ी में गांजा मिला या फिर चरस मिला या फिर ऐसा कुछ मिला, जैसे कि होता है ना अभी कछुए जो लोगों का जो स्मगलिंग होता है उन सब बहुत बार होता है कि उन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन रहता है कि ये एक गाड़ी है जो इस रूट से जा रही है। तो वो पुलिस अगर ऐसा होता है तो पुलिस आपका गाड़ी रोक के सिर्फ गाड़ी का सामान जो है चेक कर सकता है या फिर ऐसा चेक करता है पुलिस में कुछ ज़्यादा चेक नहीं है। और इसके बाद आता है रैश ड्राइविंग। रैश ड्राइविंग में क्या मतलब, आप बहुत गंदे तरीके से गाड़ी चला रहे हो, जैसे कि आपका स्पीड बहुत हाई हो या फिर आप ओवरटेक कर रहे हो या फिर आप नो यू टर्न नो एंट्री में गाड़ी घुसा दिए, जिसके वजह से रैश ड्राइविंग मतलब उन ड्राइविंग को बोला जाता है जिस ड्राइविंग से आपका ड्राइविंग से किसी और जो गाड़ी वाला है उनको दिक्कत हुआ हो उसको बोलते हैं रैश ड्राइविंग। जैसे ओवरटेक करते हुए आपने किसी को ठोक दिया या फिर आपने नो यू टर्न में घुसा दिया, जैसे कि और गाड़ी को रोक देना पड़ा या फिर आपके वजह से ट्रैफिक जैम हुआ, ऐसा कुछ। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें रैश ड्राइविंग पड़ता है। छठा है अनफिट व्हीकल। अनफिट व्हीकल मतलब आपका गाड़ी लेकर नकल जब रास्ते पर निकलते हो आपका मेन जो चीज़ रहता है वो रहता है कि आपका गाड़ी का सब पार्ट्स ठीक होना चाहिए। ठीक पार्ट मतलब आपका गाड़ी का धुआं का क्वालिटी ठीक होना चाहिए, उसमें जितना कम हो सके कार्बन रहना चाहिए, आपका गाड़ी का विंडस्क्रीन ठीक रहना चाहिए, आपका हॉर्न ठीक रहना चाहिए, आपका जो मिरर है बैक रियर व्यू मिरर वो ठीक रहना चाहिए।
उसके बाद अगर पुलिस रोकने के बाद आपको पुलिस ऑफिसर को कैसे अप्रोच करना है। पहला है आपको पोलाइट और डिसेंट होना है, मतलब पुलिस ऑफिसर्स का आपको किसी की तरह बदतमीजी नहीं करनी है, उनके साथ जितनी हो सके मतलब आपका जितने हो सके डिसेंट बिहेव करना पड़ेगा, जो कि नम्रतम होगा। और उसके बाद होगा आपको जो पुलिस ऑफिसर है उनका ग्रीट करना पड़ेगा। ग्रीट मतलब जैसे कि सर गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, या फिर नमस्ते सर, सर इशू क्या है, आप उनसे ग्रीट कर सकते हैं, या फिर कभी भी उससे बहसबाजी में मत जाइएगा। उसके बाद पुलिस ऑफिसर आपको अगर डिटेल्स में कुछ पूछता है तो आप उनको बोल सकते हो कि आपको पुलिस वाले आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको क्यों रोका गया, और अगर वो आपको बताता है कि आपकी गलती ये है तो आप उनको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकते हो कि सर मेरा ये गलती इसलिए हुआ कि मैं ज़ोर से जा रहा था, मेरा ऑफिस लेट हो रहा है, या फिर मेरा घर में कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, या फिर मेरी इमरजेंसी है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर आपको जो भी कहे, कभी पुलिस ऑफिसर के साथ आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है कि पुलिस ऑफिसर आपको बोल दिया कि ये आपका गलती है, आप बोला नहीं है मेरा गलती नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट में कभी मत जाइएगा। आप पुलिस ऑफिसर को उनका काम करने में दीजिए, अगर आप काम करने नहीं देते तो आपके खिलाफ सरकारी ऑफिसर को काम करने से रोकने का चार्ज भी लगा सकते हैं और आपको अरेस्ट भी कर सकता है। पुलिस ऑफिसर जब भी आपको रोके हमेशा बोलिएगा कि उनका जो आईडी कार्ड है या फिर उनका नाम का बगल जिसमें उनका नाम लिखा रहता है वो उनको डिस्प्ले करे, जैसे कि किसी का सर्जेंट ने आपने रोका तो सर्जेंट का जो नाम है उनका टी शर्ट के पॉकेट के ऊपर डिस्प्ले देता है। ये अगर आप उनको नहीं दिखाते हैं तो आप चाहे तो आपको डॉक्यूमेंट जो लाइसेंस होता है आरसी होता है वो आप दिखाने से रिफ्यूज़ कर सकते हो। अगर नेम बकल नहीं रहता है तो आप आईडी कार्ड भी देख सकते हो कि जिनमें उनका पिक्चर रहता है, उनका डिपार्टमेंट लिखा रहता है, या फिर वो कौन से ट्रैफिक गार्ड में है वो लिखा रहता है। इसके बाद आता है कभी भी उनके साथ गाली से गली और बदतमीजी से बात मत कीजिएगा। कोई भी अगर सर्जेंट आपसे पकड़े तो आप कभी भी उनके साथ गाली दे के बात मत कीजिएगा। इनके बाद इन सब चीज़ों के बाद अगर कभी आपको लगता है कि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा हो या फिर ऐसा कुछ हो रहा है जो कि सही नहीं है तो आप अपने मोबाइल में आप एक वीडियो बना सकते हैं जो कि आपके तरफ आपके पास एक एविडेंस की तरह रहे। बहुत बार ऐसा है कि पुलिस ऑफिसर बता नहीं आप वीडियो नहीं बना सकते, तो आप उनसे ये कहिएगा कि सर पब्लिक प्लेस है, डेमोक्रेटिक कंट्री हम रहते हैं तो हम किसी भी चीज़ का ओपन प्लेस में वीडियो बना सकते हैं। 9 नंबर है कि ऑफिसर को कभी भी चैलेंज मत कीजिए रोड में, और उनसे आप पूछिए कि सर जो भी है आप चालान कर दीजिए या फिर आप रिटर्न में दीजिए, जो भी है अगर आपने नो यू टर्न किया है तो आप उसको चालान में लिख दीजिए कि नो यू टर्न। 10वां है कि आप कभी भी बिना डॉक्यूमेंट्स के या बिना चालान के किसी को पैसे मत दीजिएगा, कि वो पैसे कभी भी सरकार के पास नहीं पहुँचती है और उस पुलिस वाले या फिर जो है उनके जेब में चला देता है। पुलिस वाले पकड़ने के बाद जो आम नागरिक होता है उनका भी कुछ कानूनी हक बनता है। उन हक में क्या है, सबसे पहला जो है वो है ओनली अ पुलिस पर्सनल जो कि कांस्टेबल है या फिर उनके अबव जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर या फिर सर्जेंट या फिर इंस्पेक्टर रैंक का जो ऑफिसर वो आपका गाड़ी रोक सकता है। दूसरा है पुलिस वाला जब आपको गाड़ी रोके उनको यूनिफॉर्म में ही होना चाहिए, अगर कोई सिविल ड्रेस में है और आपको आसपास कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं दिखा जो यूनिफॉर्म में नहीं है तो आप गाड़ी नहीं भी रोक सकते हो, आप वहाँ से भाग भी सकते हो। तीसरा है कि कभी भी आपको पुलिस रोकना चाहिए तो वहाँ से भागने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने पर आपको आपके ऊपर बहुत आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है यार, आपके ऊपर रैश ड्राइविंग का भी चार्ज लगा सकता है और कोई इंजोर भी हो सकता है, जिसके अलावा आपको बहुत जेल में भी जाना पड़ता है। 4 नंबर है पुलिस को कभी भी अपना गाड़ी का चाबी या फिर बाइक का चाबी लेने मत दीजिएगा, ये उनका हक में नहीं बनता है। अगर ऐसा कोई करता है तब बिना डरे हुए उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं अपने पुलिस स्टेशन या फिर उनका जो ट्रैफिक गार्ड होता है उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद अगर पुलिस सिर्फ आपका गाड़ी को रोक सकता है लेकिन आपका चाबी नहीं ले सकता है। 5वां है पुलिस को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, अगर पुलिस वाला आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो सिर्फ उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और कभी उनके हाथ में मत दीजिएगा, उनका आप डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं और हाथ में तब दीजिएगा और वो डॉक्यूमेंट्स तभी ले सकते हैं जब उससे पहले आपको बताते हैं कि आपका ये गलती है, बिना बताए आपका डॉक्यूमेंट्स वो नहीं ले सकते हैं। अभी वेस्ट बंगाल और कलकत्ता में बहुत सारे सिविक वॉलंटियर एंगेज्ड है ट्रैफिक जॉब में जो ट्रैफिक मेंटेन करते हैं। एक बात हमेशा याद है, उन लोगों को कोई हक नहीं बनता है गाड़ी को रोकने का या गाड़ी का साइड करने का, लेकिन ये बहुत होता है क्योंकि मैं खुद एक गाड़ी चलाता हूँ तो मेरे को ये मालूम है कि बहुत सारा वो करता है, लेकिन ऐसा रूल नहीं है। फिर पुलिस वाला या फिर कॉन्स्टेबल सर्जेंट या असिस्टेंट इसमें गाड़ी रोक सकता है। जो ऑफिसर आपको गाड़ी रोकेगा उनको पैसा तभी दीजिएगा या फिर चालान कभी लीजिएगा जब उसके साथ एक चालान बुक या फिर ई चालान डिवाइस, अभी कोलकाता में है कोलकाता ट्रैफिक पुलिस का ई चालान, GTP चालान है, KTP चालान एक ऐप है, और वेस्ट बंगाल पुलिस में अभी उन लोगों का पॉस्ट मशीन आ गया जिसमें आप कार्ड में भी पेमेंट कर सकते हैं, वो मशीन रहेगा तभी आप पेमेंट कीजिएगा।
और पुलिस अगर आपका गाड़ी का ऐसा है कि ड्रिंक एंड ड्राइव है तो वो आपका पुलिस आपका गाड़ी कभी भी उठा के नहीं ले जा सकता जब तक आप उस गाड़ी में बैठे हो। आप गाड़ी से उतरेंगे फिर वो ले जाएंगे। इसके बाद वेस्ट बंगाल में ऐसा होता है कि बहुत सारे पुलिस आपको फाइन करते हैं। तो कौन आपको फाइन कर सकता है? सबसे पहला है कोलकाता पुलिस में जो है जो सर्जेंट है, मतलब जिनके कंध पे आपको देखेगा 2 स्टार रहता है, वो है उसको बोलते हैं सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट। वही सिर्फ आपको फाइन कर सकता है। इसके लिए कोई भी रैंक जो होता है कांस्टेबल, ASI या फिर सिविक वॉलंटियर, वो आपको फाइन नहीं कर सकते। आपको साइटेशन कर सकते हैं, मतलब वो आपको पिक्चर उठा के ऑफिसर को भेज सकते हैं, ऑफिसर बाद में केस करेगा, लेकिन वो स्पॉट में आपको केस नहीं कर सकते। तो कृपया करके उनको लाइसेंस या फिर कुछ पैसा मत दीजिएगा अगर सर्जन के नीचे कोई ऑफिसर आया तो। ऐसे ही ऑफिसर्स हैं जो MVIA मतलब मोटर व्हीकल इन्फोर्समेंट ब्रांच है, जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से एम्प्रोसमेंट ब्रांच का, वो कभी कभी रात को निकलते हैं और वो भी आपको चालान कट सकते हैं कि आपका गाड़ी का अगर RC इनवैलिड है या फिर आपका गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है ठीक ठाक या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड है। ऐसा डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा कि कहाँ पे ये ऑर्डर लिखा हुआ है कि सब इंस्पेक्टर के नीचे, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे नियम हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगले वाला वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो आता है आपको कितना फ़ाइन भरना पड़ेगा। फाइन देखिए दोस्तों भाई, फ़ाइन ऐसा होता है कि फ़ाइन बहुत सारे ऑफेंसेस जो है वो 100 रुपये से शुरू होता है, वो पहला ऑफेंस का है, दूसरा तीसरा का होता है 300 और चौथा का भी 300 होता है। बहुत सारा है जितने बार भी ऑफेंस करे वो 100 रुपये रहता है, और बहुत सारा है ये 1000 रुपये से शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक ऑफिस वाले ट्रैफिक पुलिस अगर आपको 1000 रुपये के चालान काटे तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। आप कोर्ट में जाके उसको कंटेस्ट करके मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होकर आप उसको 600 या 500 में भी कर सकते हैं, ये उनका ऑफेंस है। अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो आपको कंसिडर कर सकते हैं। अगर ऐसा कभी निकले कि आपका कोई गलती नहीं है तो आप फ्री में भी निकल जा सकते हैं कोर्ट से। और स्पॉट में अगर करना होता है तो आपको पूरा पैसा वही स्पॉट में देना होगा। इसके बारे में एक वीडियो मैं कुछ ही दिन में लाऊंगा, वो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चार्ज के लिए कौन सा आपको फाइन पे करना पड़ता है। इसके अलावा और एक चीज़ है, केस एक्चुअली 2 तरफ का होता है। पहला तरफ का केस होता है जो कंपाउंडिंग, जैसे कि आपको आप एक ऑफेंस किए, आपको सर्जन को लाइसेंस मांगा, लाइसेंस मांगने के बाद आपको वो पैसा आपको देना पड़ता है और आपको स्लिप मिल जाता है। दूसरा था सीजर लीजिए कि आपका लाइसेंस सीज हो जाता है, आपको पेमेंट करके वो ट्रैफिक गार्ड से या फिर कोर्ट से छुड़ाना पड़ता है। देखिए राइट में आपका एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें KTP चला, मतलब कोलकाता पुलिस का जाए, उसमें गाड़ी का नंबर डाल के वो लोग ऑफेंस डाल के यहाँ पे देखिए कि एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ पे केस हुआ है, व्हीकल टाइप है 2 व्हीलर और रजिस्टर नंबर लिखा हुआ है। तो ये सब डिटेल्स में जानने के लिए, ये एक सीजर चालान है, मतलब ड्राइविंग का ड्राइवर का जो डॉक्यूमेंट्स है वो सीज आएगा। ये सब डिटेल्स में देखने के लिए मेरा हम लोग का अगला वीडियो वो ज़रूर देखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए तो आपको डिटेल्स में सब कुछ पता चल जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे जुड़ने के लिए। ऐसे ही और सारे वीडियो मेरे ड्राइवर और जो मेरे कार के मालिक है अभी जो नया गाड़ी खरीद रहे उनके लिए गाइडेंस के लिए ये सब मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो कृपया करके सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सेफ रहे, कोरोना वायरस से बचे रहे और धन्यवाद।